डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दादी माँ की बगिया। फ्रेंड्स, नवंबर में लगाने वाली सब्जियों की आज आपको पूरी जानकारी देंगे, तो वीडियो शुरू करते हैं। आज हम पास की ही नर्सरी में जाकर कुछ पौध ले आए, वो आपके साथ में साझा करेंगे। देखिए, ये प्याज लेके आए हैं, इसको आज अलग अलग एक एक करके रिपोर्ट करेंगे। इसके साथ साथ में ये टमाटर, वैसे तो मेरे टमाटर में फल भी आ रहे हैं, टमाटर भी लग रहे हैं, लेकिन ये हर महीने हर टाइम से हम टाइम टाइम से ये चीजें लगाते रहते हैं, तो आज ये एक दो गड्डी लाए हैं। एक गड्डी में कम से कम 20 प्लांट है और 20 ये है, 40 इस तरह से टमाटर के प्लांट लाए हैं, और ये इसी नवंबर में लगा देंगे, तो ये मुझे जनवरी तक अच्छे से फल देने रहेंगे। जनवरी से लेके अप्रैल तक ही चलेंगे। वैसे तो हम अक्टूबर में लगा चुके हैं, उनमें फल भी आ रहे हैं। अक्टूबर नहीं, इसके ये कहिए मिडिल सितंबर से हमने लगाए थे, और ये देखिए हम आज लाए हैं इस ब्रोकली, इसमें भी करीब करीब 20 प्लांट हैं। इसके साथ साथ में ये मैं लाई हूँ कैबिज, बंद गोभी, इसको पत्ता गोभी भी बोलते हैं, ये लाए हैं। तो आज ये ज्यादा लाए हैं क्योंकि मेरे पास गोभी तो इतना ज्यादा लगा हुआ है और उसकी पौध भी मेरे पास अभी खड़ी है, तो वो हम मार्केट से नहीं लाए, ये लाए हैं पत्ता गोभी। तो ये देखिए कितना अच्छा प्लांट है, और ये मैं आज सारा लगाऊंगी, तो मैंने सोचा लगाने के पहले आपको दिखा दें। ये देखिए, तो ये इतनी ये हम ले आए, पत्ता गोभी सबसे ज्यादा लाए हैं क्योंकि मैंने अभी पत्ता गोभी नहीं लगाया, और पत्ता गोभी की 1 2 3 बंडल लाए हैं, और इसमें कम से कम एक एक में 25-25-30 होगा प्लांट, तो ये लगाना है। इसके साथ साथ में ये पर्पल कलर का पत्ता गोभी भी मुझे मिल गया, ये भी मैं लाई हूँ, इसको भी लगाना है ये। और इस समय धनिया बहुत बोई जाती है, तो मैं घर की किचन की धनिया तो मैंने बोई रखी थी, इसके साथ साथ में देखिए मैं ये धनिया भी लेके आई हूँ, क्योंकि किचन की धनिया मैंने बोई है, और इस धनिया को हमने सोचा चलो नर्सरी से भी एक पैकेट ले लें, इसको भी बोना है। और ये देखिए मटर पीस, इसको भी लाई हूँ, तो आज इसकी भी बुआई करूँगी। और ये सब मैं आपको दिखाना चाहती थी कि इस समय आप सर्दी में इतनी बढ़िया बढ़िया सब्जी लगा सकते हो अपने गार्डन में, दिल खुश हो जाता है। मेरा गोभी तो इतना अच्छा चल रहा है, तो मैं आज सारी पौधे लगाऊंगी, उसका भी वीडियो बनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी। अभी ये आपको हमें नर्सरी से जो लाए थे पौध वो दिखाना, अगर जिसको लगाने की इच्छा हो तो इस समय टमाटर, बैंगन, बंद गोभी, गोभी, शिमला मिर्च कुछ भी लगा दो आप, सब इतना बढ़िया से चलेगा, क्योंकि मजा तो बागवानी करने में सर्दियों में ही आता है। तरह तरह की सब्जियां आपको घर में ही उपलब्ध हो जाएंगी। तो कैसी लगी आपको मेरी शॉपिंग? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे मैं जो भी नए वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, फिर मिलूंगी एक नई जानकारी के साथ, नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।